इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रही हैं नैयरा नूर और उनके शौहर शहरयार। आज के इस प्रोग्राम की मेजबान को बुला रहा हूं जो मेरा साथ देंगी, टेलीविजन की आर्टिस्ट हैं, इस्तकबाल कीजिए समन आगा। खवातीन हज़रात, हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, दोनों मियां बीवी से, और बहुत तेजी से सवालात करेंगे, तेजी से इनके जवाब चाहेंगे, और इस दौरान हम नैयरा के शौहर यानी शहरयार जैदी से गुजारिश करेंगे कि स्टूडियो से बाहर तशरीफ ले जाएं आपकी तालियों में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? कुछ नर्वस सी लग रही हैं आप मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी परेशान लग रही हैं जी। हैरान हैं थोड़ी सी कि मेरे शौहर को क्यों बाहर भेज दिया? नहीं, शौहर को बाहर भेज दिया ऐसे परेशान नहीं हैं? नहीं, कर सकते हैं कि तंज किया गया है। ओके, सवाल नंबर दो, आजकल जो मौसीकी फैशन में है उस पर वो क्या तबसरा करते हैं? कि उनको पसंद नहीं है। उनको पसंद नहीं है। शहरयार का निकनेम शहरी किसने रखा? उनके घर वालों ने। उनके घर वालों ने। किस बात पर आप शहरी को खरी खरी सुनाती हैं? सच बोलने में कोई मज़ायका नहीं है। ये मैं कुछ कह नहीं सकती, मतलब सुनाती हैं। ये सुनाती 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 हैं, सुनाती हैं, सुनाती हैं। आप बीमार होती हैं तो आपको डॉक्टर के पास कौन लेके जाता है? जाने की जरूरत नहीं पड़ती आजकल तो, बिकॉज शहरी खुद डॉक्टर हैं। मेरा अगला सवाल आपने बेकार कर दिया, मैंने इसमें लिख के पूछा था कि आपके शौहर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप उनकी दवा क्यों नहीं इस्तेमाल करती? मैं पकड़ने लिख है, चलिए उनकी दवा इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ये बताइए, शिफा ना होने पर आपके शौहर को किसी मरीज ने बुरा भला कहा? सच सच बताइए। फिलहाल तो इतना कोई वो नहीं, क्लिनिक इतना अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक जिसका भी इलाज किया है वो शिफायाब हुआ है। अच्छा, दोनों एक साथ टीवी पर क्यों नहीं गाते? क्या आपको अच्छा नहीं लगता या वो खुद मना करते हैं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो खुद इस कुछ इतना मैं लिफ्ट नहीं कराते, लिफ्ट नहीं कराते। सही। अच्छा, शहरी के साथ जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा क्या है? सारे लम्हे। सारे लम्हे। क्या और शोहरों की तरह शोबिज में आपके शोहर भी आपके कॉन्सर्ट्स के मामला तय करते हैं? जी नहीं। लोग कहते हैं कि आप बहुत तफसील से बात करती हैं, कि आपके शोहर को भी यही शिकायत है? जी नहीं। फोन पर सहेलियों से म्यूजिक के अलावा किस मौजू पर बात करती हैं? मेरी सहेलियां नहीं है। सहेलियां कोई नहीं है? आपका पसंदीदा गुलकार कौन है? मेरा पसंद जी है। आपका पसंदीदा गुलकार? मेरी हसन साहब। बच्चों की पढ़ाई पर दोनों में से ज्यादा ध्यान कौन देता है? मैं देती हूँ। आप देती हैं। आपस में बहस किस बात पर शुरू होती है? कोई खास नहीं, कुछ ऐसा दुनिया में ऐसा कोई घर बना ही नहीं, 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 नहीं बहस होती है, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि किसी इशू पे वैसे ही हो जाती है समटाइम्स। यही मालूम करना था कि वैसे ही बहस हो जाती है। वाह, वेरी गुड। फारिग वक्त में शहरी किसके घर जाना पसंद करते हैं? शहरी कहीं जाना पसंद नहीं करते। शहरी कहीं जाना पसंद नहीं करते। दोनों दोनों घर में हो तो फोन कौन उठाता है? कोई भी। कोई भी उठा लेता है। हर महीने की कौन सी तारीख को आपको पैसे देते हैं? कोई ऐसा जरूरी नहीं, मतलब पैसे देते हैं, पैसे नहीं देते हैं। वो सारे पैसे अभी आपने कहा कि नहीं, तारीफ नहीं है। अच्छा, किसी जब भी होते हैं दे देते हैं। जब मतलब क्या ऊपर की आमदनी भी काफी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा से भी नहीं। तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि जब दिल चाहे? ये तो तारीख, तनख्वाह की एक तारीख होती है कि पहली को मिलती है। जैसा उनका बिजनेस था, जैसे इम्पोर्ट का था, अच्छा, जो उनको जहाँ एक्सपोर्ट का, तो जो हो जाता है। ओके, गाने के बारे में आपको सबसे अच्छा मशवरा क्या दिया शहरयार ने? जी, मतलब वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको मशवरा दे सके? बहुत काबिल। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि आपको सबसे अच्छा पसंदीदा मशवरा कौन सा दिया गाने के बारे में? हमेशा मुझे ये कहते थे कि अगर इसको तुम सीरियसली करना चाहती हो तो रियाज बहुत करो, मेहनत करो। गुड। आपका कौन सा एक गाना है जो उनको बहुत अच्छा लगा? मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे। क्या कभी तन्हाई में आपसे गाने की फरमाइश की? यस। तो आप सुनाती हैं? हाँ, सुनाती हूं। ओके, आपको आपको शहरी किस लिबास में ज्यादा अच्छे लगते हैं? मुझे शलवार कमीज। शलवार कमीज। क्या शहरी ने आपके मेकअप करने पर पाबंदी लगा रखी है? जी नहीं। हैं? जी नहीं। मेकअप
शेरी को जब गुस्सा आता है तो खामोश हो जाते हैं, झगड़ते हैं या कमरे में बंद हो जाते हैं? खामोश हो जाते हैं। अब तालियां बजाइए, इनके शौहर को बुलाते हैं और देखते हैं कि दोनों के जवाबात में कितनी हम आती है। तशरीफ ला रहे हैं शेरी और जैदी। शादी के बाद सबसे पहली फरमाइश आपने इनसे क्या की? शादी के बाद सबसे पहली फरमाइश? नहीं, मैं आखिरी फरमाइश के बारे में। याद नहीं है आप। ओके, आजकल जो आजकल जो मौसीकी फैशन में है, उस पर आप क्या तबसरा करते हैं? अच्छा फैशन नहीं। आपका निक नेम शेरी किसने रखा? शेरी मेरी वालदा ने। किस बात पर ये आपको खरी खरी सुनाती हैं? हर बात पर? नहीं, किसी बात पर नहीं है, किसी बात पर नहीं। जवाब गलत हुआ, इन्होंने कहा था कि सुनाती हैं। सुना देती हूँ। हाँ देखिए, अभी भी बोल रही हूँ। किस बात पे आप पूछ रहे हैं? किस बात? किसी भी बात पे। तो कह रही है कोई बात ना हो तब भी मैं सुना देती हूँ। ये नहीं मतलब बात को खरी खरी सुनाने के लिए कोई खास टॉपिक तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसे किसी दिन बैठे हुए मूड में पक्का चलो शायरी मैं खरी खरी सुनाऊंगी। जी बिल्कुल। अगर अगर कोई भी किसी वक्त हो जाए। आपसे अभी बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं आपसे पूछूं तब आप बताएंगे, अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ। ओके, ये जब ये बीमार होती है तो आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं इनको? नहीं। मतलब क्यों नहीं लेके जाते हैं? क्यों, मैं खुद इनका इलाज करता हूँ। आप होम्योपैथ डॉक्टर भी हैं, शिफा ना होने पर आपके किसी मरीज ने आपको बुरा भला कहा? अभी तक अल्लाह के करम से सबको शफा हुई। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात तो हुई कि इनकी डॉक्टरी पक्की हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों एक साथ टीवी पर क्यों नहीं गाते? क्या आप इनको अच्छा नहीं लगता है गाना, या आप खुद मना करते हैं? नहीं, मैं खुद नहीं चाहता। आपके साथ इनके जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है? तमाम लम्हा। क्या और शौहरों की तरह शोबिज में आप भी इनके कॉन्सर्ट्स के मामला तय करते हैं? जी नहीं। नहीं। लोग कहते हैं कि ये बहुत तफसील से गुफ्तगू करती हैं, तो आपको इनसे शिकायत है कि तफसील से गुफ्तगू करती हैं? मुझे कोई शिकायत नहीं। पाकिस्तान का पहला शौहर है शायद जिसे अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं है। आपका पसंदीदा गुलूकार कौन है? विधि साहब। इनका पसंदीदा गुलूकार कौन है? विधि साहब। बच्चों की पढ़ाई में दोनों में से ज्यादा कौन ध्यान देता है? आपस में बहस किस बात पे शुरू होती है? खास ऐसी बात ये कर लो, खुदा के लिए याद कर लो। कोई बात याद कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी खास बात नहीं। तो चलो फारिग वक्त में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं? किसी के घर जाना पसंद नहीं करते, अपने घर रहना पसंद करते। आप दोनों घर में हो तो कौन फोन उठाता है? अमूमन मैं। हाँ। नहीं कोई भी नहीं, नहीं, मतलब आपने घर दोनों घर में हो तो आपसे पूछा क्यों बोल रही है? दोनों दोनों में जब सही कह रही आप घर में किचन में थोड़ी खड़ी नहीं है कि जो मियां से मेरे पास किचन में भी टेलीफोन है चूंकि कने उसका देखा। अच्छा एक बात बताइए, हर महीने की कौन सी तारीख को आप इनको पैसे देते हैं? कोई तारीख मुकर्रर नहीं। गाने के बारे में आपने इनको सबसे अच्छा मशवरा क्या दिया? कम गाया करें। आपसे नहीं, आपसे तो बात ही नहीं।
अच्छा जी, मतलब थोड़ा थोड़ा गाना चाहिए ना आपका। इनका कौन सा एक गाना है जो आपको बहुत अच्छा लगा? इनके सारे गाने मुझे अच्छे लगते, काफी गाने। इन्होंने आपसे गाने की फरमाइश की? मुझसे नहीं, कभी आपने इनसे तनाई में फरमाइश मैंने की? आप इनको किस लिबास में सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? मैं आसान कर देता हूं, सूट में, शलवार कुर्ते में, या ट्राउजर और शर्ट में? हर लिबास में। बड़ा चालाक है। आपने इनके मेकअप पर पाबंदी लगा रखी है? जी नहीं। नहीं, आपको जब गुस्सा आता है तो खामोश हो जाते हैं, झगड़ते हैं या कमरे में बंद हो जाते हैं? झगड़ता भी हूं, झगड़ता भी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं मैं कि दूसरे मियां बीवी को लड़ता देखकर शहरी का क्या दिल चाहता है? मैं कभी किसी को लड़ते देखा नहीं, तो मैं नहीं कह सकती कि क्या दिल चाहता होगा। सवालात खत्म हुए, लेकिन एक बात का अंदाजा हुआ कि आप दोनों में वाकई बड़ी हम आंगी है। इससे पहले भी काफी प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किए, उनमें जो मियां बीवियों को बुलाया उनके एक दूसरे की बातें उन लोगों को ज्यादा याद नहीं है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, हम थोड़ी देर बाद आपको दोबारा जहमत देंगे।